आज मैं जा रहा हूँ छपरा के नदी में, तो मतलब गंगा नदी मैं कहूँगा। तो इसके लिए बहुत दूर तक मैं आया और लास्ट में मुझे ये पगडंडी दिखा है और मैं पगडंडी के थ्रू जा रहा हूँ गंगा नदी। ये देखिए फसल बहुत अच्छे हुए हैं, पूरा गांव वाला सीन माहौल दिखता है यहाँ पर पूरी तरह से, और बहुत अलग मूवमेंट दिख रहा है। मतलब काफ़ी दिन के बाद मैं कह सकता हूँ कि कुछ गाँव टाइप जगह आया हूँ। तो लोग बोलते थे कि छपरा गांव है, बट कहीं ना कहीं तो एक अलग जगह है जहां पर यह गांव बसा हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है यहां आकर, काफ़ी ठंड महसूस हो रही है और अभी सुबह के अराउंड 5:45 बजे हैं और काफ़ी शांति दिख रही है। बहुत मज़ा आ रहा है और मैं जा रहा हूँ गंगा नदी की तरफ देखने कि कैसा दिखता है यहाँ से, तो मैं आपको अपडेट देता रहूँ। तो दोस्तों अभी मैं गंगा नदी की तरफ बढ़ ही रहा हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पर भी नदी कभी आई होगी और मतलब काफ़ी उफान पर, और ये सब पानी से भर गया होगा। ये देखिए कच्चा रास्ता है जिसमें बालू के कण देख सकते हैं हम, और जैसा कि मैंने कहा आई थिंक हम लोग बहुत करीब हैं और आपको मैं अपडेट दे रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ जाल से बना दिए हैं, शायद इन लोगों ने अपने अनाज स्टोर करके रखे हैं। और मैं चल रहा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ आगे का सिनेरियो कैसा दिखता है। इधर देखिए ये महिला भी आ रही है और ठीक है। तो ये देखिए मैं पहुँच गया हूँ, ये गंगा नदी काफ़ी सूखा हुआ लग रहा है। यहाँ तक मैं सोच रहा था, मैंने सोचा कि थोड़ा सा पानी होगा, बट देखते हैं शायद आगे पानी है, काफ़ी हद तक सूख गया है। ओ, ये तो सही में सूख गया है। ओके, तो मैं यहाँ देख सकता हूँ यहाँ पर शवदाह भी होता है, शायद लाशें वाशें जलती हैं। ये है गंगा नदी हमारा, आप देख सकते हैं। चलिए इतने ही आज के वीडियो में, इतना ही, अब वापस जाते हैं।